भागलपुर में मकर संक्रांति को लेकर बाजार तिलकुट से गुलजार हो गए हैं। वहीं मकर संक्रांति को लेकर शहरवासी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तिलकुट की डिमांड को देखते हुए कारीगर दिन रात तिलकुट तैयार करने में जुटे हुए हैं। भागलपुर के बाजारों में चीनी, गुड़, खोआ सहित कई प्रकार के तिलकुट उपलब्ध हैं। लोगों को सबसे ज्यादा गुड़ का तिलकुट पसंद आ रहा है। दूर दराज से लोग तिलकुट खरीदने के लिए भागलपुर के बाजार पहुंच रहे हैं। वहीं कम बिक्री होने से दुकानदारों में निराशा भी देखी जा रही है, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस साल बाजार अच्छा है। दुकानदारों को उम्मीद है कि मकर संक्रांति के दिन तिलकुट की बिक्री ज्यादा होगी। तिलकुट उपलब्ध है, पाँच छह प्रकार का तिलकुट होगा सर जी। कौन सी तिलकुट का डिमांड ज्यादा हो रही है? गुड़ वाला सबसे ज्यादा डिमांड है सर जी। बाजार कैसा है इस बार? बाजार ठीक ठाक चल रहा है। पिछले साल की अपेक्षा? पिछले 14 तारीख को पता चले सर, 10 तारीख के बाद सर। अभी तो जिस तरह जा रहा खा रहा आदमी आराम से लेके। तो बिक्री कैसी हो रही है? बिक्री ठीक ठाक हो रहा है, मजदूरी निकल जा रहा है सबका। ज्यादा बिक्री नहीं हो रही अभी तो सर, कहाँ होगा सर? पर अब तो आने में 4-5 दिन बाकी रहेगा, तब ये बिक्री सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा। कैसे बेच रहे हैं तिलकुट? अभी तो 220 रुपया है, 240 रुपया है। 220 चीनी का होगा, 240 गुड़ वाला होगा। 5-6 तरह का तिलकुट उपलब्ध है दुकान में। चीनी का तिलकुट है, गुड़ का तिलकुट है, गुड़ की पापड़ी आएगी, चीनी की पापड़ी और एक खोवा तिलकुट स्पेशल वाला। लोग कैसे तिलकुट को ज़्यादा खरीद रहे हैं, पसंद कर रहे हैं? खासतर तिलकुट मीठा कम रहना चाहिए, लोगों का पसंद है ये। शुगर पेशेंट ज़्यादा हैं, इसलिए लोग गुड़ का तिलकुट ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मार्केट कैसा है इस बार? मार्केट ठीक ठाक है, बढ़िया है। अभी ठंड पड़ा है तो मार्केट अब आएगा बेहतर।